नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। बता दें इस समय कैथल रोड पे खड़े हैं, जहाँ पर एक ठेके के अंदर छोटे बच्चों के मिलने के बारे में बताया गया था। एक बार आपको बता दें कि उमेश चांडा जी हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर क्या ये अवैध का होना और वैध का होना ये पुलिस वाले और एक्साइज वाले देखेंगे जी। हमने बच्चों को अपने रेस्क्यू करना था, हमने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। बच्चों से शराब परोसवाई जा रही थी, जो कि बिल्कुल कानूनन रूप से गलत है। हम लोग इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। और बाहर से गेट बंद करके पता चल गया था पहले? अभी पता करेंगे जी उनसे। नहीं तो अगर पेरेंट्स लेना चाहें बच्चों को, या उनको आप ही ले जाएंगे? नहीं नहीं, बच्चे अगर पेरेंट्स के पास जाना चाहेंगे तो बच्चों को पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा। अच्छा, तो पेरेंट्स बच्चों को यहाँ भेजते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि वो यहाँ क्यों भेजते हैं। बिल्कुल 100% परिजनों से बात करेंगे कि यहाँ बच्चों को क्यों भेजा जाता है। नहीं तो कहेंगे कि परिजन भी तो इसमें डिफॉल्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिफॉल्ट करते हैं जी, उसमें उनको उनके खिलाफ भी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी। रमेश जी, ये इस तरह के मामले कितने हो रहे हैं? जैसे 5-6 आते बता रहे हैं, 1-2 पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो बच्चे हैं छोटे वो मिले हैं, ये देख लीजिए। हाँ जी, गांव के? कौन से गांव के? अपनी मर्जी से काम करते हो? पापा कहते हैं। पापा छोड़ के जाते हैं? पापा कहते हैं शाम को चले जाओ, सवेरे में पढ़ने जाता हूँ, शाम को ट्यूशन जाता हूँ। पापा कहते हैं चले जाओ। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ से? 3,000। आपको भी बेटा 3,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे? 3,000 रुपये? अब आप यहाँ से छोड़ोगे? पढ़ते हो आप? बेटा बेटा कहाँ रहते हो, कहाँ पे रहते हो? पिछली गली में। पिछली गली में। तो सर एक बार जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जे ठेके के ऊपर क्या जानकारी मिली थी आपको? देखिए, इनके खिलाफ आज शिकायत आई थी कि ये लोग अपने वहाँ पर बच्चों से शराब परोसवाते हैं, और अंदर आने पे ये बिल्कुल ठीक पाया गया। हमें देखकर इसने उसका दरवाज़ा भी बंद करने की कोशिश की, लेकिन हम दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवा कर अंदर आ गए। हाँ हाँ, ले चलो जी। तो अभी हम इन लोगों को पूरी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बच्चों की सर उम्र क्या बताई जा रही है? बच्चों की उम्र देखने में 12 से 14 साल लग रही है जी। अभी एग्जैक्ट इनकी जो जन्म तिथि है वो जांची जाएगी। बच्चों को कोई सैलरी वगैरह देते हैं? हाँ, ये ऐसा बता रहे हैं, अभी देखते हैं, बच्चे जाके बताएंगे कि कितनी सैलरी उनको दी जाती थी। अभी फिलहाल जो है क्या मालिक यहाँ पे हैं? अभी यहाँ पर मालिक है? हाँ जी हाँ जी, ये मालिक है जी, ये मूंछों वाले जो हैं ये यहाँ मालिक है। आपका ठेका है? आपका ही है ठेका? आपका ही है? हाँ। तो ये छोटे बच्चे आपके पास क्या? नहीं, हमारे पास कोई मैटर नहीं है जी। आप बोल रहे हैं कि सर वो होटल आइन का मैटर है जी, हमारा कोई मैटर नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार है जी। हाँ जी, प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार हमारे के साथ कहीं है, बाहर के डॉक्टर की टीम पहुंची है CWC की। हमारे ये जो उधर से लेके पुलिस से लेके अब पिंगली चौक तक दो ठेके हैं हमारे, एक ये हो गया और एक हो गया पिंगली चौक। ठीक है जी, जो बीच में ये हथे तो कह ही नहीं सकते, इनको होटल है, ये अवैध बेच रहे हैं दारू। हमारा इनके साथ कोई संपर्क नहीं है, ना हमारे से ना कोई परमिशन ले रखी है, ना सरकार से परमिशन ले रखी है जी। दारू जो ये ले रहे हैं अपनी बाहर से लाके यहाँ दिन में रेड कराई करनाल में, क्या कोई मंजूर शुदा आते भी दे रखे हैं? हाँ जी, कई जगह है। तो क्या उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर ये होता है सर, जैसे हमारी पॉलिसी होती है, मैं कॉल लेता हूं, उसके बाद उनका होता भी 2 लाख का या 3 लाख का साल के खातरे इनको फीस देनी पड़ती है, जैसे हम सरकार को देते हैं। ठीक है सर, दो नंबर में? हाँ, ये दो नंबर में सारे के सारे हैं, हम जो इनसे खुद परेशान है सर। हाँ जी सर, नहीं पता क्या, प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा, पर प्रशासन दिन में आता है सर। ठीक है, और ये शाम को 7-8 बजे से जो लोग लेके आते हैं या अपने बेचते हैं। तो सर यानी ये ठेका चला रहे हैं या वैसे शराब पिला रहे हैं? वैसे हमारे ठेके कोई दारू नहीं है सर। ठीक है, हमारे ठेके की नहीं, तो वैसे या लोग ला रहे हैं या फिर यही ला के दे रहे हैं इनको, यही लोग ला के दे रहे हैं इनको। बिल्डिंग का हिस्सा ये ठेके का है या नहीं? नहीं, हमारा ठेका कोई हिस्सा नहीं, हमारी सिर्फ वो ठेका जी, वही एक बिल्डिंग है सर, ऊपर नीचे हमारा दाएं बाएं मतलब पुल से लेकर पिंगली चौक तक हमारा कोई वो नहीं है, जितने भी हत्या चल रहे हैं उसमें चल रहे हैं बेकार। लेकिन ये प्रशासन हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। ठीक है, पर ये दिन में आते हैं, रात
को आते हैं उस टाइम ये साफ हो जाते हैं, दिन में तो कहते हैं हमारे तो वैसे काम चल रहा है, रात को दारू का धंधा करते हैं सारे के सारे। सर मेरे को 40 रुपये के पोवा देते हैं, मेरे को 40 रुपये के पोवा देते हैं, ये क्या मिलते हैं 40 रुपये का पोवा मेरे को देते हैं, मेरा एक गिलास जो 2 रुपये का आता है वो 50 रुपये में काट लेते हैं मेरा। बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें कि एक जगह पर हम पहुँचे हैं इस समय कैथल रोड के ऊपर, जो कि बताया जा रहा है कि ठेके का कोई भी लाइसेंस जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर ये यानी खाने पीने की ये जगह है, और जहाँ पर शराब जो है पीने के लिए किसी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं है। फिलहाल जानकारी दी जा रही थी कि कोई ठेका है, लेकिन कोई ठेका नहीं है, ये खाने पीने के लिए एक कैफे सा बना हुआ है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, नॉनवेज खाते हैं और साथ में शराब जो है यहाँ पर पीते हैं। तो सिर्फ अपने आम बैठे थे जी, हम पी रहे थे जी, बस सारी टेबलों में बैठे। हाँ, रिश्तेदार आए हुए थे, इतवार का दिन था, शटर बंद था, जब आप आए शटर बंद था हमारा। बात क्यों गए फिर रिश्तेदार? कौन से वो चले गए पुलिस देख के जी, आप मीडिया को देख के हर बंदा इधर उधर हो जाता है, मीडिया को देख के आपको अगले डर के आके आपको फंसा के रिश्तेदार आपके भागे। अरे चले गए जी, अब क्या कर सके जी, कौन बसा रहा, कौन बसा रहा, हम बसा रहे, हम ठेके के मालिक, हम बसा रहे आपको, नहीं नहीं कौन बसा रहा, पूछो इसको जी, मालिक है वो खुद, नहीं नहीं आपकी तो बात ही नहीं मैं कर रहा ठेके, आप कह रहे हैं बसा रहे, मैं बसा रहा, नहीं 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 रिश्तेदारों की बात हो रही है, रिश्तेदारों की, रिश्तेदार होंगे कोई भी होगा, दारू लेके कहीं से बेच रहे होंगे, हमें क्या पता बेच रहे या पी रहे हैं, हमारे ठेके का नाम क्यों ले रहे हैं, कौन से किसने लिया ठेके का नाम, पहले ये से सारी मीडिया कह रही ठेके से, मारा कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना कोई सरकारी फीस है और ना कुछ, अवैध है जी, अवैध है, मैं ठेके का मालिक खड़ा जिनका दी है जी, और पुलिस आने के प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग करा सर, ठीक है, पुलिस आए दिन में इनका सिंपल खाना चल जाता है, रात को 9 बजे 8 बजे 10 बजे ये काम होता है, प्रशासन कर रहा है, प्रशासन आते है उस टाइम तो कुछ मिलता नहीं सर, नहीं, रात को जब आपको पता है दारू रात को चलती है तो रात को क्यों नहीं, रात को भी आई जी, रात को एक दो मिल गया, चलो ठाकुर को पर्चा दे दिया जी, ये किसी को तो पैसे देते हैं, बस किसी को दे रहे, वो नहीं किसी को पैसे देते, कोई अवैध हमारे पास पिलाता जी, तो टेबल बिछा रखी है भाव जी, इतवार दिन पे पिला रहे थे, नहीं नहीं पिला नहीं रहे थे, पी रहे थे जी, अच्छा पी रहे थे, हाँ, खुद पी रहे थे, ही बैठे थे, तीन चार छोटे छोटे बच्चों से आप दारू, नहीं 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 छोटे बच्चे से कोई दारू नहीं पिलाई जा रही, अरे बोल जी वो दिन आते शामी आते ने साडे को, मैं जी गल कर छोटे बच्चे हमें खुद देखे जब शराब उनको सर्व कर रहे हैं, जी जेड़ा मुंडा है ना वो 18 साल का है, ये कह रहे हैं शाम को बच्चे आते हैं दारू का काम शाम को चलता है, एक 18 साल से एक 14 साल से ऊपर से, 14 साल से गलत है ना, 14 साल नहीं नहीं वो सिर्फ बिल कटता है जी, मुंडा पढ़ा लिखा मुंडा है ना, ये नहीं बिठा सकते अब, शराब क्या आता ही जगह मिली है, नहीं 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 शराब का तो आता है ही नहीं जी, मतलब वैसे बिठाईदा है, सिर्फ अरे बहुत जी आए थे इतवार जी का बैठे थे जी, आप इंडे बेचिए देख लीजिए शराब जो है यहाँ पर, ये बियर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये बोतल पड़ी हुई हैं, और साथ में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, और ये देख लीजिए ये खाने पीने का सभी का सभी नॉन वेज, और ये सब आप देख सकते हैं, और पीछे भी जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये किचन है जहाँ पर सभी खाने पीने की सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देख लीजिए सभी, आप देख लीजिए कि ये कैसे यहाँ पर भी पीछे की तरफ जो कि कोई लाइसेंस नहीं है बैठकर पिलाने के लिए, और साथ में छोटे बच्चे भी जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, इधर भी देख लीजिए ये इधर भी
बियर और साथ में ये खाने पीने के लिए सभी के सभी। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर कोई लाइसेंस नहीं है किसी चीज़ का कि शराब जो है वो पिलाई जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देख लीजिए खाने पीने की जगह है जहाँ पर जैसे नॉन वेज वगैरह की आइटम्स होती हैं और जो कुछ है जो फिलहाल हमें तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर नॉन वेज भी ये सब पड़ा हुआ है। तो लेकिन दूसरी जगह पर जो शराब जो साथ में ठेका है वो पड़ता है तो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। ठेका शराब अंग्रेजी और देसी का है, ये साथ में ही ठेका पड़ता है जहाँ पर शराब जो है वो जिस तरीके से ला कर जो है यहाँ पर लाई जा रही है। और सवाल ये है पैसे किसको जाते हैं, सवाल ये है किस अधिकारी। और यहाँ पर ये भी बताना चाहें कि एक जानकारी मिली थी जिसमें दो बच्चे बताए जा रहे थे, ये देख लीजिए ये सामने की तरफ जिस दुकान पर हम खड़े हैं वहाँ पर ये तंदूरी नाइट्स के नाम से ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चिकन सेंटर जो बना हुआ है जहाँ पर आज लोग आकर चिकन वगैरह खाते हैं। तो साथ में बैठने की जगह भी बनी हुई है जहाँ पर रेड पड़ती है CWC की, तो उसके बाद सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि दो बच्चे छोटी छोटी उम्र के जो हैं वो भी यहाँ पर थे, मौजूद थे, और उनको जो है CWC की जो टीम है वो ले जाती है। और फिलहाल दारू चलेगी सुबह उठते ही 8 बजे आप आके देख सकते हो यहाँ पे दारू भी चलेगी और लड़कियाँ भी ऊपर कमरे हैं यही इन्हीं का तो है ऊपर। क्या रोक लगा रहे हैं ये लड़के को, रात हमने बाहर निकाला था, हमने कहा था नहीं पीने देनी ये लड़का। हाँ अगर आप दारू पिलाते हो तभी तो लोग आपके पास आते हैं। अरे भौजी मैं हाथ जोड़े जो मैं बाहर कटे आ गया था, क्यों रात 11 बजे मैं दिखाऊंगा मेरी मोटरसाइकिल, रात मेरे को क्या मेरी मोटरसाइकिल होगी, मैं तेरी मोटरसाइकिल जाके जो कर रहे हो नहीं तू मोटरसाइकिल बता, मैं तेरे से डर रहा हूँ क्या, मैं तेरे से लेके गया कुछ नहीं, मैंने तेरे से लेके गया नहीं, मैं रात में तेरा मुंह पकाऊंगा नहीं, मैं तेरे मुंह पे कह रहा मुंह पकाऊंगा मैं नहीं, तेरी मोटरसाइकिल मैंने ठाई दी क्या रात है, किसने मोटरसाइकिल अब तो आप कह रहे थे कि मैंने इसको भेज दिया था, अब बाइक का मामला ये मेरे पास लेके आया, कहता मेरी बाइक होगी, मैंने कहा से बाइक इसकी दारू पीते हो, कैमरा देखो ना खोल के, आप इनका कैमरा खोल के दिखा दो कहाँ से जाती है सीढ़ियाँ, कहाँ से जाती है उसकी दारू तो आपने भी पी है, नहीं क्यों इल्जाम लगा रहे हो, शराब तो पिलाते हो ना, नहीं पिलाते जी, मैं खुद पी रहा जी, गलत कोई है, एक मिनट रुको मैं बताऊंगा दो कमरे कैसे है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में और एक कमरा है इस तरफ थोड़ा, आप भी आए हो यहाँ पर, आया हूँ तभी मेरे को पता है, लड़की लेके आए थे आप भी ना, वैसे आया था सिर्फ पीने के लिए आया, लेकिन लड़की आती है ये देखिए अब इसको नक्शा कैसे पता है जी, नक्शा तो सारे नहीं पता, जेड़ा भी मेरी दुकान पे आएगा रोटी बिगाने का सारा कुछ आएगा, ऊपर कमरों में रोटियां खिलाई जाती हैं, हाँ कमरे जेड़ा मर्जी घंटे की रोटी खाए,
पुलिस चेक करेगी, लेकिन आप यहाँ पर मैं खुद भी पी के जाता हूँ शराब यहाँ पे, मैं खुद भी पी के जाता हूँ शराब यहाँ पे पिलाते हैं शराब भी, और लड़कियाँ भी आती है अभी ये सब चलता है अब डेली चलता है बिल्कुल डेली। तो पुलिस को बना के लिए बात होती है नहीं है वगैरह कभी आई नहीं आपको पुलिस आई कभी यहाँ? ये मेरे ख्याल से हफ्ता वगैरह पता नहीं क्या जो चीज देते होंगे इनकी साइटिंग है आकाश पुलिस का मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन सरेआम सब कुछ चलता है बिल्कुल सरेआम चलता है। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ तुम्हार जी का पी लीजिए केड़ी गलती होगी जी डेली पीता मैं कहना रोज पीना जी हम जी के ना पिला पींदा है पिलांदा तो आप इनके कैमरे चेक करो सीसीटीवी पुलिस चेक करेगी सीसीटीवी कैमरे तो देख सकते हैं यहां पर आरओ यहां पर आपको बता दें कि मामला कुछ और था, लेकिन वहां पर तो बच्चों को तो जो है रेस्क्यू कर लिया गया, दो छोटे बच्चों को जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि दो बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, और जहां पर जो है चिकन मुर्गा वगैरह जो है बेचा जाता है बनाकर, यहां पर अब ये भी पता चलने लगा है कि यहां पर जो आरोप पब्लिक का ये व्यक्ति जो है साफ तौर पर लगा रहा है कि वो खुद यहां आया और शराब भी उसने पी है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम शराब नहीं पिलाते, लेकिन यहां शराब की बोतलें भी पड़ी थी, और साथ में उन्होंने एक नई बात और भी कह दी कि यहां पर जो है अय्याशी जो है वो भी यहां पर चलती है, लड़कियों को यहां लाया जाता है, ऐसे आरोप जो है पब्लिक का व्यक्ति साफ तौर पर तस्वीरों में लगा रहा था। और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात देखने वाली कि आखिर इतने समय से अगर ये सब चल रहा है तो इसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं है, आखिर क्या मंथलियां चल रही हैं, क्या चल रहा है, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहां पर ये जरूर है कि प्रशासन की क्या अभी तक नजर क्यों नहीं पड़ी है। तो सच्चे बंदा बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज देखने वाली बात है कि आखिर कैसे जो है ये सब चल रहा है, और यहाँ पर आपसे यही कहना चाहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें, और आखिर में कहना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप किसी बच्चे को देखते हैं कि वो कहीं पर भी किसी जगह पर काम कर रहा है तो आप CWC में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।